अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में भलीकार आऊं आया आवां जो मेज़बान राजा असगर सुमरो। नाज़रीन शाराए फैसल ते तां ॾिसी सघो था पिया, मुंहिंजे पुठियां हिकिड़ी शानदार बिल्डिंग आहे। करोड़े रुपयनि जी लागत सां ई बिल्डिंग तयारु कई वई आहे ऐं अचानक हिकिड़ो फ़ैसिलो अची वियो आहे त हे बिल्डिंग जेको आहे इलीगल आहे, हिनखे किरायो वञे। फी फ्लैट बिल्डिंग में ॿुधायो थो वञे त 2.5 खां 4 करोड़ जे विच में बिल्डर विकिरो कयो आहे। अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदासीं हितां जे रिहाइशियुनि सां ॻाल्हायूं, बिल्डर सां ॻाल्हायूं, सिंध हुकूमत जो कोई अगरि नुमाइंदो असांखे मिले थो त असां हुनखां बि मौक़ो वठण जी कोशिशि कयूं। हिन बिल्डिंग खे छो इलीगल करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त ॿुधायो थो वञे त हिन बिल्डिंग जूं सॼियूं NOCs बि पूरियूं आहिनि। असां कोशिशि कंदासीं हितां जे रिहाइशियुनि सां ॻाल्हाइण जी हिन वक़्तु। कुझु जेके हिते एहतजाजी कैम्प तव्हां मुंहिंजे साॼे पासे ॾिसी सघो था पिया, एहतजाजी कैम्प आहे उहा लॻल आहे। हिते सभु हितां जा बिल्डिंग जेके रिहाइशी आहिनि उहे वेठा आहिनि। अचो त हिननि खां पुछा त कयूं हिननि छा मौक़िफ़ आहे। ऐं हिते 4 सालनि खां रिहाइश पज़ीर आहियां। हिते मूं 2.25 करोड़ में घरु वरितो, 15 लख रुपया डॉक्यूमेंटेशन जा उहे अलॻि ॾिना हुआ। जज साहिबु हिकिड़ो सू मोटो एक्शन खयो आहे की बिल्डिंग जेकी आहे उहा नाले जे मथां ठहियल आहे, बट 1950 खां बिल्डिंग जो हिकिड़ो प्लॉट लेआउट आहे, मास्टर प्लान में बि आहे, सिंधी मुस्लिम वारनि वटि बि आहे। हुनमें इहो लिखियलु आहे की इहो 780 गज़ आहे। जस्टिस साहिबु हिन जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे, हिनखे किराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। असांजी जज साहब खां ख़ाली गुज़ारिश आहे, असां नज़रसानी जी अपील जेकी आहे कोर्ट में विझी चुका आहियूं, कराची कोर्ट जे अंदरि असांजी अपील आहे उन्हनि सां की उहे असांजी ॻाल्हि ॿुधनि, असांजो मौक़िफ़ ॿुधनि। हिते सभु जेका माण्हू रहियूं पिया उहे 4 सालनि खां सभु रिहाइश पधी आहिनि, 44 घर आहिनि, 40 खनि हिते आबाद आहिनि। कॉमन मैन इन्वेस्ट करे चुको आहे हिन बिल्डिंग जे अंदरि, हाणे इहो प्राइम टाइम कोन्हे। अगरि उहो बि कुझु मसइलो बि हो 4 साल पहिरीं 5 साल पहिरीं जेॾी महिल इहा बिल्डिंग ठही पए, जेॾी महिल हिन खे एतिरियूं NOCs पे ॾिनियूं वयूं, सिविल एविएशन जी NOC आहे, इनवर्ट इन्वायरमेंट जी NOC आहे, इनवर्ट जेको आहे SBCA जी NOC आहे, इनवर्ट मास्टर प्लान जी NOC आहे, के इलेक्ट्रिक जी NOC आहे, सुई गैस वारनि जी NOC आहे, एतिरी जेकियूं इनखे एतिरियूं सॼियूं NOCs मिलियूं पिए, वॉटर जी NOC, इन्हनि सभिनी NOCs जेॾी महिल ॾिनियूं वञूं पिए हिननि खे, तंहिं टाइम ते इहे सभु किथे हुआ। हाणे जेकी महिल हिते कॉमन मैन सॼी पंहिंजी ज़िंदगी जी कमाई, मुंहिंजो फादर रिटायर्ड आहे, रिटायरमेंट खां पोइ जेको 30 साल जी सर्विस खां पोइ जेको आहे, असां सभु पाकिस्तानी आहियूं, असां जेको आहे हिते सॼी वॾा हिते थिया आहियूं, सभु कुझु हिते थिया आहियूं, घरु वरितो, घरु ठाहिणु इहो आसान न हूंदो आहे हर माण्हू जे लाइ। न आहे जज साहब चवनि था की बिल्डर साहब पैसा ॾेई छॾनि ऐं माण्हू जेका न हलिया वञनि, मगर अर्ज़ु इहो आहे की मां जेॾी महिल हिते घर वठणु आयो हुअसि, मुंहिंजी त इहा नेचर न हुई की मुंहिंजो त को इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू ई कोन हो हिते। मुंहिंजो त इहो की मुंहिंजी रिहाइश आहे, मुंहिंजे घर में 4 ॿिया अफ़राद आहिनि, उहे कमु था करनि, जाइ असांखे वेझो थी पवे, असां वठी वरिती। हाणे अगरि मां हितां हिन जॻहि छॾे ॿियो किथे मूव थो करां त मूंखे सॼी शयूं एडजस्ट थियूं करणियूं पवनि। मुंहिंजे माण्हू मुंहिंजा जेका ॿार घर जा पढ़नि था उहे सभु हिते वेझो था पढ़नि, मूंखे हुननि जी एजुकेशन शिफ्ट करणी थी पवे, मूंखे हुननि जी नौकिरियुनि में मसिलो थो हुजे, 1000 शयुनि में मसिलो थो हुजे। माण्हू हाणे या ईअं सिस्टम हुजे की असांखे ख़बर हुजे बिल्डिंगुनि जा नाला अख़बारुनि में अचनि, उन्हनि सां असां ॾिसूं की बाबा इहे प्रोजेक्ट सही आहिनि, हिननि प्रोजेक्टनि मां को हिकिड़ो प्रोजेक्ट तव्हां चूज़ करे वठो, पोइ तव्हांखे ख़बर आहे हुनमें इहो थी वेंदो की उहे प्रोजेक्ट पोइ 40 रुपए जा थी वेंदा, पोइ उहे सस्ता बि कोन हूंदा। हिते त ईअं आहे न की हर माण्हू जी NOC आहे, NOC अवेलेबल आहे। असां तव्हां को बि मुंहिंजो ॿियो भाउ जेॾी महिल घरु वठणु वेंदो आहे त उहो ॾिसंदो आहे हिन बिल्डिंग खे NOCs केतिरियूं मिलनि। अच्छा, बिल्डर जो छा मौक़िफ़ु आहे तव्हांखे, जेको करोड़ रुपया जीअं तव्हांखां बिल्डर वरिता आहिनि हिन टाइम उहो छा चवे थो तव्हां? साईं, बिल्डर असां सां गॾु जेको आहे A to Z हर शइ में ॿधलु आहे। सही आहे, ईअं न आहे की बिल्डर जेको आहे बैक एंड ते असां सां गॾु जेको ॿी ॻाल्हि पियो करे, फ्रंट ते ॿी ॻाल्हि पियो करे, बिल्डर असां सां गॾु आहे। बिल्डर जेॾी महिल हिन बिल्डिंग जे मथां मसइला न बि हुआ तंहिं टाइम ते बि असां सां गॾु वेठो हूंदो, तंहिं टाइम ते बि उहो असांखे इहो ई चवंदो की बाबा इन जी डॉक्यूमेंटेशन असां तव्हांखे कराए ॾींदासीं, असां का इलीगल बिल्डिंग कोन्हे ठाही। 1950 खां हिकिड़ी प्रॉपर्टी कराची में अवेलेबल आहे, इहो स्लॉट 1950 खां अवेलेबल आहे। अगरि तव्हां थोरी सवेर अचो हा, असां तव्हांखे पूरी वीडियोज़ ॾेखारूं हा, तव्हां ॾिसो सॼा प्लॉट्स हिकिड़े ई साइज़ जा। कॉर्नर जो प्लॉट तव्हां कराची में किथे बि वेंदा हुनमें थोरो सो उणी बि हूंदो आहे, थोरी प्लॉट कॉर्नर जे प्लॉट में अची वेंदी आहे की हीउ थोरो सो वॾो थियो, मगर हिते त सभु प्लॉट हिकिड़े साइज़ जा आहिनि। रेजिडेंशियल में इहो हिकिड़ो उसूल हूंदो आहे की तव्हां 60% 65% ऑक्यूपाई था करे सघो, बाक़ी सॼो एरिया तव्हां खाली छॾे ॾींदा, मगर जेॾी महिल तव्हां कमर्शियल ते अची था वञो त तव्हां 100% लैंड जो पंहिंजो पार्ट यूज़ था करे सघो। हाणे ज़ाहिरी सी ॻाल्हि आहे, हुन जेॾी महिल रेजिडेंशियल खे कमर्शियल में कन्वर्ट करायो आहे त एक्चुअल त हिन जी जेकी साइज़ आहे 1144 लीज़ में बि लिखियलु आहे,
780 तो उनको कवर्ड एरिया है। मुख्य ये सब गालियों करण जो कोन है ना, मां चाहया तो के मां के खिलाफ ना, मुझे कोन जे ना के सा अगेंस्ट है। आऊं बस एकड़ो कॉमन मैन है जेको यो सवाल तो करा पेजी सब इसार संगत का के ही की हाल दिनो, आज मुसा घर पे थे कल बे सागट थिंदो पो परी टे सागट थिंदो पो वरी चौथे सागट थिंदो, तो लाइन बाय वाइज कराची के ये पान डिमोलिश करे पूरो खत्म करे चंदासी या बियो को एक्शन इंदो। अगर बियो को एक्शन उन्हें टाइम ते इंदो तो जेका पास्ट में जे मानुवन के ये डिमोलिशिंग फेस भी करनी पवन उन्हन सागट चाहे असान जो खाली मौके पे नजर सानी बुतो इतने मानू रहन था दुकान ता है कौन मानू कारोबार दुकान बंद करे करे हले वे घर है दुकान बंद करे मानू घर ही इंदो है एम बियो इतने घर वठन सोला। बिल्कुल नाजरीन वडो एकड़ो सवाल आ पान जगह ते चवणा इनन जो तो आखिर इन्वेस्ट कजे तो काथे कजे घर वठूं तो कराची में काथे वठूं आस्ते आस्ते पूरो जो को कराची या जो का तो वो इन तरीके से जो का बुधायो तो वने तो अगर डिमोलिश थी तो मानू इते केड़े तरीके से पान के सिक्योर समझदा चार सालन का वडी जेके मानू इते रहन पया उनन जो इते अचानक जो का सुख वाली जिंदगी अचानक इनन जी तब्दील थवी या टेंशन में आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स है उनकी तरफ से ये कैंप लगाया गया है जिसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं, तंजीमें आती हैं सियासी गैर सियासी, और उनका भी यही मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें नज़रसानी की ज़रूरत है, और हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ऑफकोर्स हर कोई करता है लेकिन हम फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। कितने में फ्लैट लिया है आपने यहाँ पर? ये मैंने जब लिया था ये मैंने 2,40,00,000 में लिया था। अब क्या इसकी मार्केट है? अब मेरे ख्याल है ये कम से कम 4.5-5 crore इसकी वैल्यू है, क्योंकि ज़ाहिर है 5 साल हो गए, 5 साल में तकरीबन डबल हो जाती है। डिमांड्स क्या हैं आपकी, क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखिए हमारा तो सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि आप क्यों तोड़े इसको, ना तोड़ें। हम इसलिए नहीं कह रहे कि फैसला हमारे खिलाफ़ है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप रिव्यू में हमारी जो वकील है हमारी तरफ से, हम रिहायशी हैं ना, हमारी तरफ से भी एक वकील है, आप उसकी बात एक दफ़ा सुन लें, वो आपको जो एविडेंस दिखा रहे हैं आप एक दफ़ा एविडेंस देख लें, रिहायशी की बात सुने या उसके वकील की सुने। जब आप रिहायशियों की तरफ से आप जो बात सुने और एविडेंस देखें उसके बाद आप फैसला दें। आपने हमारी तो बात सज़ा तो हमको मिली है ना, एक दफ़ा तो बोलने का मौका दें, हमारी बात सुने हमारे वकील के ज़रिए, हमारा वकील जो आपको एविडेंस दिखा रहे हैं सिंधी मुस्लिम की तरफ से कि ज़मीन कैसे आई है वो आप देखें, उसके बाद आप फैसला दें तो ठीक है। पहले ये करें कि जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक आप हमारे पैसे हमें दिलवा दें ताकि हम अपना कोई दूसरा इंतजाम करें। फिर आप किससे पैसे दिलवा दें, बिल्डर से? जिससे भी दिलवा दें, हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें अपने पैसों से कर्ज है, बिल्डर से दिलवाए, सिंध गवर्नमेंट से दिलवाए, प्राइम मिनिस्टर से दिलवाए, हमारे से ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया है ना कि इनको, कमिश्नर साहब को, कि इनको पैसे दिलवाए जाएँ, आप दिलवाएँ पैसे जिससे भी दिलवाएँ। भाई देखें ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बिल्डिंग खाली करा दी और हम रोड पर आ जाएंगे, आप पहले मुतबादिल लेंगे ना। मुतबादिल क्या है? मुतबादिल वही है कि जिस तरह का हमारा अपार्टमेंट है आप उस तरह का हमें उसका कंपनसेशन दे, जो भी करंट मार्केट मेन शहर फैसले बिल्डिंग है आप खुद पता कर लें कितनी वैल्यू है। 3 महीने का टाइम है ना, आराम से 1 महीने में कंपनसेशन दे, 2 महीने फिर आपको जो बिल्डिंग की कार्रवाई करनी है करें। ऐसा तो नामुमकिन है ना, आपने चलो अभी खाली कर दो गिरा दो बाद में देखेंगे, बात कभी नहीं आती है, जो होना है पहले होना है, बस ये हमारी गुजारिश है। हमारी सारी चीज़ें हैं, फाइलें वाइलें डॉक्यूमेंटेशन सब लीज और नक्शे वगैरह, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ 16 से 17 चीज़ें हमारी कंप्लीट है। सबसे पहले ये इशू उठाता कि यहाँ पे यार ये बिल्डिंग नाले पे बनी है, ठीक है, जबकि बिल्डिंग नाले पे नहीं है, हम पेपर के तौर पे दे चुके हैं कि बिल्डिंग एक प्लॉट के ऊपर ही है और थोड़ा वो इंक्रोचमेंट का है। कितने फुट इंक्रोचमेंट है? कल में कोई वैसे बनता है 325 कुछ 325 350 स्क्वायर फीट या गज बनता है, मगर यह है कि यहाँ पे तकरीबन 10 प्लॉट हैं
इसी लाइन में 10 में से ये है कि सबको कुछ ना कुछ मिला है, 250-200 वो सिंधी मुस्लिम की अपनी ही मतलब जगह होती है और वो उसका ताल्लुक गवर्नमेंट की उससे जगह से नहीं होता। तो जब ये जगह ली, प्लॉट लिया, तो वो उसके साथ ही हमें मिली है, क्योंकि जाहिर बात है जब खाली होगी तो कोई कब्ज़ा करेगा वो करेगा, उसके भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और हमने उसके पे ऑर्डर दिए हैं, सब कुछ है, हर चीज़ इलीगल हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। 17 फाइल आपने कहा कि तकरीबन 300 गज से ज़्यादा यहाँ पे कब्जा है, टोटल स्क्वायर टोटल बिल्डिंग कितने गज पे बनी हुई है? टोटल बिल्डिंग है 730 पे बनी हुई है, तो डेफिनेटली अगर 300+ गज यानी कि आधा आधा अगर कब्जा है तो जाहिर सी बात है यही फैसला आना है कोर्ट की तरफ से। जी कि अभी आप क्या नज़रसानी में गए हैं और बिल्डर का मौके बताइएगा, क्या कहना है बिल्डर का? देखें भाई, बिल्डर का तो मौक़िफ़ ये है कि बिल्डर ने तो कहा भाई मैं तो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं, सब चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड की, हमने 16 से 17 फाइल्स वगैरह सारी देखी, जाहिर बात है एनओसी वगैरह देख कर ही इंसान लेता है ना, सिविल एविएशन का उसमें इजाज़त नामा है, कोई भी चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं है कि जहाँ हमें डाउट हो, जब भी वो देखे हमने लिए 3.5 साल से माशाल्लाह हम यहाँ रह रहे हैं। अगर कोई आप पे बम गिरा दे और कह दे कि भाई ये बिल्डिंग गिरा दो, तो आप खुद सोचें, हम पिछले 10 दिन से इतने टेंशन में हैं, बच्चे वगैरह छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का क्या 6-7 साल का बच्चा होता है उसके दिमाग में चिप होती है, उसके दिमाग जहन में बन गई ये बात कि अब क्या होगा। देखिए ये लाइफ टाइम रहेगा उसकी, याद रखिएगा मेरी इस बात को, इसका लाइफ टाइम बच्चे के जहन में ये रहेगा कि यार हमारी बिल्डिंग तोड़ने आए थे या हमारी बिल्डिंग टूटेगी, उसके असरात कितने ख़तरनाक है। माँ बाप है बेचारे पलंग पर लेटे हुए, वो बस हर दफ़ा हमको देख के सोच पूछते हैं क्या हुआ बेटा क्या हुआ, हम दिलासा दें तसल्ली दें, आप खुद बताएं कि मेरी जगह अगर आप होते तो यार आप क्या करते हैं, हम ज़हनी तौर से बिल्कुल इतने परेशान हो गए हैं कि बस हम अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को हम सिर्फ कह सकते हैं कि भाई नज़रसानी की जाए, हमारा मौक़िफ सुना जाए। ठीक है, दूसरी बात यह कि उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि 3 महीने बाद बिल्डर पैसे देता, अब आप खुद ये बताइए कि 3 महीने बाद अगर बिल्डर पैसे देगा जो भी कुछ है, बिल्डर कैसे पैसे देगा? बाहर के मुल्कों में अगर आप चले जाएँ ना, तो बाहर के मुल्क वाले पहले अपने अलाटीज़ को पैसे देंगे कि नहीं यार इनको टेंशन है, इनको पैसे देंगे फिर वो कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा बिल्डिंग कंट्रोल होगा या कोई भी होगा वो उनको अपने तौर से हैंडल करेंगे, मगर क्या आवाम को सुकून देंगे? अभी हम लोग टेंशन में, सुकून नहीं हमें, आया दिन रात दिन यार यही प्रॉब्लम हमें चल रहा है, अब क्या होगा अब क्या होगा। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आया है आपके साथ? नहीं, हुकूमत की तरफ से माशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, मगर ये कि दूसरे लोगों ने बहुत साथ दिया, आप लोग मीडिया वालों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा साथ दिया और हर कदम पर आप लोग हमारे साथ ही हैं और आप ही की वजह से हमारी आवाज़ सब जगह पहुँच रही है, हम तो आपके भी शुक्रगुजार है भाई। दस दिन से कैंप लगा हुआ है, वो हमारे साथ ही हैं, हमारी फेवर में ही बात कर रहे हैं, वो उसकी भी मजबूरी है, उसने अगर हम लोगों से पैसे लिए हुए हैं हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, उसने इस बिल्डिंग के ऊपर पैसे तो लगा दिए ना, फिर उस कोई भी मेरा ख्याल है अगर मैं भी होऊंगा तो मैं कोई प्लाट ख़रीदूंगा तो उसको हर जगह से NOC देखने के बाद ही लूँगा और उसके ऊपर फिर इन्वेस्ट करूँगा, अपना मकान बनाऊँगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग हो चाहे वो छोटा मकान हो, जितनी देर तक मैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं करूँगा मैं तो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता कि इसके ऊपर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूँ। बिल्डर ने भी जितने डॉक्यूमेंट हमें दिखाए हैं या जब हम इसको परचेज़ करने आए थे फ्लैट को, हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, हमारे पास PF की भी अपना NOC थी, उसके बाद सिविल एविएशन की NOC, बिल्डर डिपार्टमेंट जो BSP है उसकी भी NOC थी और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट मौजूद थे, लीगल थे। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का जो प्लाट था 193A 780 गज़ का था, वो उसके भी हमने रिलीज़ देखी, उसने जो इसको एक्स्ट्रा लैंड दी उसकी रिलीज़ देखी, तब हमने ये परचेज़ किया। अब उसके बाद ये तकरीबन 3.5 साल जो है ना ये बनता रहा, ये पूरा जो मेरा इस बिल्डिंग के सामने ही ऑफिस है मैं इसको देखता रहा हूँ, जब 2 मंजिल ये बन चुका था टोटल 15 मंजिल मेरे सामने ही बनती रही हैं, मैं गायब गए इधर चक्कर भी लगाता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम थी या ये गलत लैंड बिल्डर ने ली थी तो जब ये बन रहा था उस वक्त महकमों को आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी आना चाहिए था और भी जो कह रहे हैं ये लीगल नहीं है उनको आना चाहिए था। अब 4 साल हो गए इसमें 44 फ्लैट हैं टोटल जो रिहाइश पज़ीर हैं, अब उनको 44 घर जो हैं उनको कहें कि जी आपकी बिल्डिंग हम गिरा रहे हैं
और आप इसको खाली कर दें, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको खाली भी करेगा। जब गिराने के बाद 44 फ्लैट्स के मतलब है 200 अफराद सड़क पे आ जाएंगे, वो सड़क पे जलील होने से तो बेहतर है ना कि यार इस बिल्डिंग में यार हमें भी साथ गिरा दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे बच्चे जो भी हम इसी में दफनाएंगे और कब्रिस्तान भी हमारा इधर ही बनाए, इंशाल्लाह गिरेगी नहीं, अल्लाह ताला पे हम पूर्व उम्मीद हैं। मेंटली तौर पे 2-4 दिन हमें बहुत टेंशन हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरे पूरे उम्मीद हैं। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से अभी नए डॉक्यूमेंट्स लेके हमने रिव्यू पे गए हैं, जज साहब को भिजवाए हैं, इंशाल्लाह वो इसको सुनेंगे भी। असल हम ये कह रहे हैं कि जब एक डिपार्टमेंट, हुकूमत पाकिस्तान एक डिपार्टमेंट बनाता है, वो डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि ये आपका जो आपका प्लाट है ये लीगल है, आपने इसको फलां बंदे से परचेज़ किया है, हमने NOC दे दी है। जब NOC मौजूद है फिर हम ना हमें कोई परेशानी है ना किसी को परेशानी होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं ये बिल्कुल गिराई भी नहीं जाएगी और हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं। जी नाजरीन ऐसो तो पे रिहायशी पूरी उम्मीद है तो बाबा ये बिल्डिंग किराई न वे पूरी NOCs वगैरह प्रोग्राम में वक्त हुआ नंढे वक्फे जो असा गड रहो बेन रिहायशन से भी गलाइंदे उनको पुछा कहे इन बाबत उन्होंने मौकफ़ आ कोशिश कहे बिल्डर से भी गल बिल्डर से भी राबो क्यों तो इन बाबत वो छो चे असा सा गड रहो। जी नाजरीन असि इन वक्त मौजूद आयु नसला टावर में दिसो ता पे माशाला बेहतरीन बिल्डिंग आ, जमीन खां वठी छत तई पूरी पैक बिल्डिंग आ। असन स्क्रीन ते फुटेज दिसी सको ता पिया ते केतरा अंदर प्यारा फ्लैट ठयल बुधाय तो वने ते 2.5-3 करोड़ जो ते फ्लैट आ जो को वो सिर्फ जो को दिनो तो वने। असि इन वक्त मौजूद आयु नसला टावर में स कोशिश कयो ता पिया ते इन बिल्डिंग में छा थी रयो आ, छा सबब इन जैमें अरबे रुपये की लागत से जो को बिल्डिंग तामीर थी चुकी है पर इनके किराने जो जे ऑर्डर आया हैं जे इतों जहाँ रहायशन असा उन्होंने भी गलूँ पाया एक बे फ्लोर से हलूँ पाया उतूँ रहायशन जो चवण है। बिल्डिंग जी लॉबी है केतरी खूबसूरत ठयल आ, बल्कि करोड़ों रुपया सिर्फ लॉबी से जो लगाया वह इंपोर्टेंट सोफा ए तमाम बेहतरीन तरीके से जो इतने सिस्टम ठाया वो इतों के रिहायशी जी सारी उम्र की जमा पूंजी आज इन बिल्डिंग में उन्होंने लगाई आ। 44 फ्लैट्स इन मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ इतने रहन थी पयूँ ए 4 साल का वही बुधा तो वे तमाम इतने सुकून से रहन पाया बिल्डिंग के तमीर थन्दे कंप्लीट थन्दे जो 4 साल थी वह 4 साल का वही रिहायशी से रहन पाया 4 साल का अचानक एक फैसलो आयो है जो इतने रिहायशन के जो निंड हराम कर छद्यून मुसलसल 3 हफ्तन का वही नसला टावर के रिहायशी वो शारा फैसल से एहतजाज कन था पाया। आखिर वे कड़ा माफियाज हैं जै सबब जो 44 खानदान उन्हें जो निंड जो हराम थी वही अस कोशिश कहे अजो के प्रोग्राम में उन्हीं माफिया के तलाश करण की आया है बिल्डर आ वो माफिया है जो कूड़ी NOC वही करो रिहायशन के फ्लैट उन्हें विक्रो किया या बो को मामलो आस कोशिश कहे तो बिल्डर जो भी मौकफ़ अचे इन टाइम तुम ऐसो पाया तो इन वक्त रिसेप्शन भी खाली लगी पी है कोई इतने बिल्डर जो मूँ इन मौजूद ना बल्कि बुधा यो तो वे तो बिल्डर भी अचे तो पो एको रिहायशन से गड आ फुल साकार है। अस कोशिश कहे पाने प्रोग्राम में बिल्डर जो मौकफ़ ज़रूर शामिल क्यों इन नसला टावर जो
पांजो रिहायशी उन्होंने में जो आबाद है जो इन आल बिल्डर एक तंजीम है उन्होंने आबाद जो भी वो अमल दखल है वो रोल है उन्होंने जो आबाद भी जो इन सहकार में इन एतजाज में इतजाजी कैम्प से वेहन था पाया ये मामला चल रहा है सारा और करोड़ों रुपये यहाँ पे बात चल रही है और अचानक से क्या हुआ है कि बिल्डिंग गिराने की बातें हो रही है। हम यहाँ पिछले 4 साल से रह रहे हैं। हम जब यहाँ रहने आए तो हमने तमाम NOCs वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक किए हैं और अब हमें अचानक ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग इल्लीगल है। लेकिन हम इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हमने सब डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे, वो गवाही दे रहे हैं सारे कि हमने देखे हैं, तो उनकी बात पर यकीन किया जाए। और हमारी जज साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो अपील उनके पास गई है उस पर नज़र सानी करें, क्योंकि हमने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है, क्योंकि हम और इसके अलावा हमारा और कोई और घर नहीं है कि हम वहाँ जाकर रहें। और हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। हम नहीं देख सकते कि हम क्या कर सकते हैं आगे। आप ही बताएं कि अब किराए के घर भी इतनी जल्दी तो मिलते नहीं हैं, ना ही हमारे पास इतना सरमाया है कि हम किराए के घर में जाए। किसी साहब ने कहा था कि ये ऑर्डर आया है कि बिल्डर को बोला गया है कि सारे पैसे जिनके हैं वापस कर दो और बिल्डिंग गिराई जाए, तो अभी तो आप नज़रसानी की दरख्वास्त आप लोगों ने दायर की है, लेकिन बिल्डर आपको पैसे वापस कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने उनके पास है ही नहीं, तो वहाँ कहाँ से देंगे वो। आप खुद ही सोचें कि जब बिल्डिंग बनती है तो उनका अपना भी सरमाया सारा इसी में वो लगा देते हैं। जब कोई भी बिल्डिंग बना तो वो तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि वो तो सारे बनाने में ही लग जाते हैं पैसे, तो वो भी कहाँ से देंगे। इन बिल्डिंग के जितनी भी NOCs हुई वे टोटल कम्प्लीट इन SBCA खाइनन के NOC मिलल आ, मास्टर प्लान आ इन बिल्डिंग जो वो बाकायदे तैयार आ। पहरें यो पियो चयो वञे त नाले ते ही बिल्डिंग तामीर थियल आ, जंहिंखां पोइ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी वारनि पंहिंजा खाता ॾेखारिया ऐं उन्हनि पंहिंजा जेके डॉक्यूमेंट्स पेश कया, त जंहिंखां पोइ इहा ॻाल्हि वाज़े थी वई त हीअ बिल्डिंग नाले ते न आहे। पर जंहिं हूंदे बि वरी पोइ बिल्डिंग में जेको मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थियूं, कोई चवनि पिया त 341 गज़ ते बिल्डिंग आहे, कोई चए थो 780 गज़ ते आहे। प्रोग्राम में असां इहा कोशिशि था कयूं त आख़िर हिन सॼे सिनेरियो में माफ़िया जो रोल केरु अदा करे रहियो आहे, ऐं आया जे अगरि बिल्डिंग जा पूरा डॉक्यूमेंट्स मौजूदु आहिनि त बिल्डिंग खे इलीगल करार कीअं ॾिनो वियो आहे, जे अगरि बिल्डिंग जा डॉक्यूमेंट्स न आहिनि त पोइ उहे कहिड़ा माफ़ियाज़ आहिनि जेके सरकारी इदारनि मां जेके हिननि जा डॉक्यूमेंट्स वरिता आहिनि। असां सां गॾु रहिजो, हिकिड़े ॿिए रिहाइशी सां ॻाल्हाईंदासीं, ॿुधंदासीं तुंहिंजो छा मौक़िफ़ु आहे। असां गॾु जेको आहे त आबाद जा अॻवान मौजूदु आहिनि, जेकी बिल्डर्स जी एसोसिएशन आहे आबाद, उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो इन बाबति छा मौक़िफ़ु आहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? 4 साल से बिल्डिंग है यहाँ पे, रिहायशी है, फैमिलीज़ रह रही हैं, उनके सेंटीमेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अचानक से एक फैसला आ गया है। देखें, सबसे पहले तो आबाद का जो इंस्टांस है और आबाद जो अपने मेम्बर के स्टेक को प्रोटेक्ट करती है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ के अलॉटीज़ रहने वाले हैं, ये पिछले 5 साल से जो है यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे, और इन 5 सालों में जब से ये रिहाइश पज़ीर है या उससे पहले बिल्डिंग को बनते बनते तकरीबन 4 साल जो है उसका अरसा जो था उसमें भी इस किस्म की कोई बात नहीं की गई। अब ये सुमोटो एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में लिया, तो जिसमें हमारा एक ये कहना है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ और फैक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से उनको जो है ना सुना नहीं गया, उन लोगों को नहीं बुलाया गया कि जिनको ये ग्राउंड रियलिटी या फैक्ट्स वो बता सकते थे, जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, उन्होंने ये ज़मीन जो है 1950 में इनको दी गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और KMC के थ्रू उनको लीज़ की गई, और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को ये ज़मीन इंडिविजुअली प्लॉट की सूरत में ये ज़मीन दी। और 1954 में जब ये शारा फैसल जो उस वक्त मलीर रोड कहलाता था, उस वक्त इसकी रोड अलाइनमेंट हुई, तो जो एक्स्ट्रा लैंड जो है उस रोड अलाइनमेंट में जो कि पहले 280 फुट थी वो फिर 240 फुट के ऊपर इसको बाकायदा प्लान किया गया उसी 19 सालों में 1954 में, और जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और KMC ने फिर जो है वो दी सोसाइटी को। अब ये एक्स्ट्रा लैंड जो तकरीबन जो शारे सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से लेकर शारे कायदीन तक ये तमाम लोगों को जो एक्स्ट्रा लैंड दी गई, जो कि पर्टिकुलरली जो नस्ला टावर की जो बिल्डिंग जहाँ पर बनी है उस मेम्बर को 1954 में जो है 264 गज़ एक्स्ट्रा ज़मीन दी गई। तो उस वक्त तो ना कोई बिल्डर था, ना कोई अलॉटी था, ना कोई किसी किस्म के लोग थे, और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ उस वक्त के लिहाज से
वो पूरी की गई। उसके लिए तो ज़रूरी ये था कि जो हमारे वकला का भी कहना था, जो बिल्डर्स के वकला हैं, जो एलॉटीज़ के वकला हैं, कि सोसाइटीज़ को बुलाया जाए और सोसाइटी से पूछा जाए कि उन्होंने किस कानून के तहत ये ज़मीन जो है उस वक्त उस मेंबर को दी। जहाँ तक बिल्डर का ताल्लुक है तो बिल्डर तो पाँचवें छठे नंबर पर आके उन्होंने परचेज़ की ये लैंड 2005 में, और 2005 में जब अप्रूव अपना परचेज़ करने के बाद जो सारी रिक्वायरमेंट, जो फॉरवर्डिंग्स वगैरह, जो सिलसिला था, जो कि कमिश्नर कराची हो गए या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गए, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए या मास्टर प्लान, इन तमाम अथॉरिटीज़ से जो है ये इसकी बाकायदा फॉरवर्डिंग की गई। उस वक्त किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन होता तो वो उस वक्त बिल्डर को बता दिया जाता ताकि ये मामला उसी वक्त रुक जाता। 2013 में बाकायदा इसकी मास्टर प्लान से जो है ये कमर्शलाइजेशन कराई गई, और जिसके अंदर करोड़ों रुपये जो है इसकी लीगल फीसिस पे की गई। और उस कमर्शलाइजेशन होने के बाद 2013 के बाद जब काम स्टार्ट किया गया तो तकरीबन 2016 में जो है आज से 5 साल पहले ये तमाम लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंडओवर किया गया। तो जब बिल्डिंग बनने के बाद, उस पर रिहाइश होने के बाद हम ये सुमोटो एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें इनिशियली जो मसला था वो ये था कि इस नाले के ऊपर बिल्डिंग बनाई गई। जब बाकायदा कमिश्नर की रिपोर्ट, कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें कमिश्नर ने बाकायदा ये बताया कि इस बिल्डिंग नाले से तकरीबन 60 फुट दूर है, तो ये मामला वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर उसमें एक्स्ट्रा लैंड का जैसे मामला है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सोसाइटी कर सकती थी, जो कि हमारा कहना है कि वो फैक्ट्स जो हैं वो पूरे नहीं सुने गए। तो इसलिए जो है एक इसमें रिव्यू होना चाहिए, सोसाइटी को जो है सिंधी मुस्लिम को बुलाया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि किस कानून के तहत उन्होंने एक्स्ट्रा ज़मीन दी। लाजमी कोई ना कोई कानून होगा जिसके तहत उन्होंने दी, तो उस लिहाज से ये बिल्डिंग बाकायदा अप्रूवल्स वगैरह तमाम लेने के बाद ये बनी। ये एक बिल्डिंग का मामला नहीं है। आज हम कहते हैं ये एक बिल्डिंग अगर आप कहते हैं कि उसको डिमोलिश कर दें तो डिमोलिशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कराची वैसे ही इस वक्त कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें तो दूसरे शहरों और सूबों से सबसे पीछे है। हमारे शहरों, सूबे के दूसरे शहर हैं उनमें भी जो है ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो क्या वजूहत हैं? सर हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, तुम बुध पाया तो आबाद अगवान है, तमाम क्लियरली पांजो मौके जो सामू रखे तो पो अस इनके जरूर मालूम कंदे बिल्डर जो नालो छा है, कड़े तरीके से थे। अच्छा सर, ये हमें बताइएगा जो हमारे धरती टीवी के व्यूअर जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए नॉलेज में ये इजाफा करिएगा कि सुनने में आ रहा है कि इस बिल्डिंग की 300 गज जो ज़मीन है वो इल्लीगल है, वो कब्ज़े पे, जिसकी वजह से ये फैसला आया है, और बिल्डर का नाम भी बताइए। देखिए, ये नासला टावर के साथ बिल्डिंग है और उसमें हाजी कादर साहब जो हैं इसके ओनर हैं इसमें, और उन्होंने ये बिल्डिंग ये बनाई है। और जहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड की आप बात कर रहे हैं 264 गज, वो 264 गज जो सोसाइटी ने अलॉट की थी अपने कुछ कानून के तहत, वो बिल्डर को उन्होंने नहीं की थी, वो उस वक्त के जो 1954 में जो मेम्बर थे उनको की थी। रिमेनिंग लैंड अगर एक्स्ट्रा जिस वक्त इनसे अप्रूवल के लिए प्रोसेस किया गया तो उन्होंने 77 गज ज़मीन जो थी वो एक्स्ट्रा उन्होंने अपॉन फीस, जो मार्केट रेट था, वो फीस लेने के बाद बाकायदा जो है उसके बाद ऑफिशियल फीस ही पेमेंट की गई, उसके बाद उन्होंने वो ज़मीन 77 गज दी। तो मामला सारे देखें बिटवीन जो है जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, मास्टर प्लान हो गया या आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, ये सोसाइटी उनके दरमियान है, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कोई ना कोई कानून के तहत ये सारी फॉरवर्डिंग होगी। उसके बाद बाकायदा बिल्डिंग की अप्रूवल्स ली गई, और बिल्डिंग की अप्रूवल्स लेने के बाद जिसके लिए 18 से 18 NOCs रिक्वायर्ड होती हैं हमें, उन सारी NOCs लेने के बाद एक प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है, उसके बाद काम का आगाज़ किया जाता है। तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों में कुछ जो फैक्ट्स नहीं बताए गए उन तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र उनको सुना जाए उसको, और उस सूरत में उसकी नज़र में जो ये डिमोलिशन का ऑर्डर है हम समझते हैं उसको जो है रिव्यू होना चाहिए। उसमें अमेंड कुछ उसमें रिव्यू करने के बाद कोई मामला डिमोलिशन वाला नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई चीज़ है इनकेस तो उसको पेनल्टी की जाए, उसको रेगुलराइज़ किया जाए। जिस तरह से आप अगर पंजाब में देखें CDA या अपना RDA के अंदर LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पे जो सारी जो 6000 के करीब सोसाइटीज़ हैं जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं, आज उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको रेगुलराइज़ कर रही है अपॉन 2% ऑफ पेनल्टीज़ के साथ। तो यहाँ पे कराची में तो जो बिल्डिंग जो है लीगली तौर पे बनी हुई हैं उनको किसी किस्म के जो ये डिमोलिशन के इस किस्म का ऑर्डर नहीं, उनको रेगुलराइज होना चाहिए। एज आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स और डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, हम हमेशा से इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको रोका जाए। अब एक तरफ तो जो है लीगल कंस्ट्रक्शन को जो है कहा जा रहा है डिमोलिश किया जाए, और दूसरी तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन बेतहाशा जो है इस शहर में फैलती जा रही है, जहाँ पे सारे वो मशरूम ग्रोथ और वो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ एक्शन कोई नहीं हो रहा, और जो लीगल तरीके से जो टैक्स पेयर हैं
जो तमाम चीज़ों को अप्रूवल की सर अप्रूवल्स लेके फॉर्मल तरीके से एक जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आज उनके खिलाफ इस किस्म के फैसले जो है हम समझते हैं कि होने नहीं चाहिए। ये इस अ मैटर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, रियल इस्टेट सेक्टर, लोगों का कॉन्फिडेंस आज लूज़ हो रहा है यहाँ पे। बिजनेस कम्युनिटी जो बिल्डर्स हैं उनको आगे काम करने में मुश्किल होती हैं, तो हम समझते हैं कि नज़र ानी करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आगे रियल इस्टेट का काम बेहतर तरीके से हो सके। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी जी। नाजरीन तमाम बेहतरीन मौकुफ हो इन चवण हो तो जी आबाद आ प्लेटफॉर्म जो बिल्डर्स एसोसिएशन है इनकी, तो इन में जो एक बेचैनी छायल है जो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जी लाहौर की भी पंजाब की भी इन मिसाल दई तो 6000 जिते इलीगल सोसाइटीज़ ठहल उ सरकार पारा उन्होंने 2% पेनल्टी से रेगुलराइज करे तो पे इन जो यो भी मौकुफ हो तो इन चवण हो तो जो कराची में अगर इन किस्म जो बिल्डिंग ठहल या 264 गज आ जो इन प्लाट जो एक्स्ट्रा लैंड हुई जैखा भी जो इन बिल्डर सरकारी इदारन का SBCA या KDA का जो लीज कराया उन्होंने भी इन्हें पेमेंट कई ते हूँ भी जो इन बिल्डिंग के इलीगल करार दिनों वो है जै सबब जो आबाद अगवा विच में जो बेचैनी पखड़ियल है जो जी रिहायशी जहनी अजियत में मुब्तला थन पाया। प्रोग्राम में वक्त थो नंढे वक्फे जो वक्फे का अस कोशिश कदे बिल्डर जो मुकफ तक सामू आणूँ तो बिल्डर छा तो चाहिए। यहाँ पर मुझे 3 साल हुए और यहाँ पर मैं आया था तो सबसे पहले हर डॉक्यूमेंट हर चीज़ टोटल चेक करने के बाद इसको ख़रीदा हुआ है। इसमें ये KMC KD और अपना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, अच्छा ये कि इसमें हर चीज़ ओके है। आप देखें अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है तो ये हर चीज़ ओके है, तभी तो प्रॉपर्टी टैक्स आता है ना, इसके बगैर प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं आप? जी वो भी भरते हैं, इसके बगैर तो नहीं आ सकता ना। और डॉक्यूमेंट सब चीज़ें ओके थी, हर चीज़ ओके थी। कितना टैक्स भरते हैं सालाना? यार ये एक तकरीबन 4000 रुपये उतना ही आता है। अच्छा, यहाँ तो हम लोग ये भरते हैं और सब भरते हैं, सबका ये बिल आते हैं KMC के और जायबत के उसके यहाँ भरते हैं, बिजली के, टेलीफोन के, गैस के, तो ये सब अंडरस्टूटर सब भरते हैं। और इसमें मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब इस स्ट्रक्चर जब ये शुरू होता है होने से पहले तो उसको 4 साल तक लगते ही है ना, इसके बगैर जल्दी तक ये बन नहीं सकता। तो जब इन्होंने ये चीज़ें की थी बिल्डर ने तो उस टाइम पर ये आवाज़ क्यों नहीं आई? और ये आवाज़ अब आ चुकी, अब आप आई आवाज़ तो ये समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से आवाज़ आई है। हमें इस चीज़ों का तो समझ, जिस चीज़ जैसे सामने कहा है इसको गिराने के कहे थे इन्होंने ऑर्डर, तो अगर गिरा देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं ये जितने भी हैं सबकी जमा कुंजी पैसे सबके हैं, ये बंद मुट्ठी है ना, ये बस बंद मुट्ठी है। अब जब खुल जाएगी तो किसी के उसकी नहीं है काम की। तो इसी तरह यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब जो सरकारी इदारा है SBCA KDA, आपने उनके ऊपर क्लेम किया है कि आपकी NOCs हमारे पास हैं, उसके बावजूद कोर्ट ने ये आर्डर दिया? हमने तो सबको कहा, सिंधी मुस्लिम इन्होंने खुद ने राइटिंग इन्होंने लिख कर दिया है और उन्होंने ये यहाँ मीडिया के सामने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की थी। तो जब हर चीज़ ओके फिर इन्होंने क्यों किस हिसाब से किया? तो चीज़ जो हिसाब से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप रहम करें, इसलिए यहाँ पर लोग कितने हैं, कितनों के पास रहने के लिए पैसे हैं, बहुत मुश्किल से लोगों ने जमा किए हैं। अब आप खुद सोचें कि अभी अगर आप गिराते हैं तो कितनों के पास तो पैसे भी नहीं है और आजकल कोविड का
चल रहा है उसमें कारोबार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग पहले से मरे हुए हैं, इनको और क्यों मानना है इनको। तो इनसे गुजारिश है कि बड़ा मेहरबानी इसको ना गिराएं और अपने ऑर्डर को वापस करें। हमने जो दरख्वास्त दायर की है, प्लीज़ प्लीज़ इन रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार हमारी दरख्वास्त को सुनें, ये देखें, बहुत दिल होता है। तो फिर अगर ये गिराते हैं तो इसके साथ सबके सब एक साथ ही मर जाएंगे और यहाँ से लाशें जाएंगी एक साथ। मर भी जाते हैं, कब्र है तो ये ना बोलें, नाले के ऊपर कब्र थी तो ये ना बोलें, इसलिए मरना तो है। हम देख सकते हैं ये सर्विस रोड है, ये पूरा रूट खुला हुआ है तो उसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ 3 साल हो गए। कितने फैमिली मेंबर हैं आप? हम लोग हैं 4 फैमिली मेंबर। बच्चे भी हैं आप? बच्चा है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरी बस पढ़ते हैं, छोटी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा जी। और बाकी ये है कि देखें यहाँ पर 44 फ्लैट हैं और 150-200 फैमिलियाँ हैं, तो आप खुद देखेंगे 150-200 फैमिलियाँ कहाँ जाएंगी। आप इसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए। और अगर इनका ये इतना ये है गिरने का तो आप गिराते हैं तो बड़ा मेहरबानी हमें पैसे दिए जाएँ या हमें, तो फिर हम ये कर सकते हैं, खाली और हम नहीं कर सकते और फिर हम यहीं मर जाएंगे, सारे यहाँ मर जाएंगे। आप ज़मीन दो समय कर दीजिएगा, बिल्डिंग को गिरा दें, हम मरने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? तरफ कर मिल नाम मुजम्मिल नमीन। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं अटॉर्नी हूँ। अटॉर्नी यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि आपके पास टोटल एनओसीज भी हैं, क्या आखिर मामला हुए हैं? 4 साल के बाद एक अचानक जो फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर अचानक क्या आया, चीफ जस्टिस साहब का सू मोडो एक्शन था, उसके ऊपर इन्होंने कहा गया था कि नाले पर बिल्डिंग बनी हुई है, इट सीम टू बी इलीगल था। तो जब हमारी पेशी हुई, सब कुछ हुआ, तो वो नाले वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया, अब ये इंक्रोचमेंट पे आ गया है। कुछ हमारा हिस्सा है जो चीफ साहब को ये लग रहा है कि हमारा इंक्रोचमेंट है, लेकिन इंक्रोचमेंट है नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी वकील की सही सुनी नहीं है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि नज़रसानी दोबारा की जाए और हमें बताया जाए, हमें बताने का मौका दिया जाए कि हम बता सकें कि इंक्रोचमेंट है नहीं। इंशाल्लाह ताला हमारा रिव्यू जा चुका है सर चीफ साहब के ऊपर है कि वो हमारा रिव्यू देख लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा चीफ जस्टिस साहब को हम बता सकेंगे कि हमारा रिव्यू नहीं, क्योंकि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से भी हमने अपना एक एविडेंस बना के दे चुके हैं। हम 264 गज बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा लैंड आपके पास है जिसके सबब ये फैसला आया है, एक्चुअल लैंड वो कितनी है? सर 264 लैंड एक्स्ट्रा है जो एडिशनल 1958 में हमें दी गई थी, वो हमें नहीं दी गई थी। जब हमने प्लॉट खरीदा तो हमें ऑलरेडी 3 पार्टियाँ इसमें जो हो चुकी हैं, 3 पार्टियाँ हो चुकी हैं, इसके बाद आगे 4th पार्टी हम हैं जो हमें 1044 मिला था, और हमें 1958 में एडिशनल लैंड ये जो मिली गई थी सिर्फ हमें नहीं मिली गई, यहाँ पे टोटल 39 प्लॉट्स हैं यहाँ से लेके आगे कबाबीस तक, उस सबको एडिशनल लैंड लाइन मिली है। बिकॉज पहले जो रोड की जो अलाइनमेंट थी वो थी 280 फीट वाइड थी, फिर उसके बाद वो अलाइनमेंट छोटी हुई थी 240, जो उस वक्त 1958 में किया गया था और चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के मुताबिक ये सारी चीज़ें हुई थी, जब कराची का जो चीफ कमिश्नर था उसके लेटर हेड पर ये हुआ था और ये 1958 में अलॉटमेंट दे दी गई थी। तो इस चीज़ को चीफ साहब को बताना है और ये इसका प्रूफ हमें सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने जो वो इनकी जो 3 लाख समथिंग की जो एनओसी थी जो केएमसी ने लीज दी थी इनको, 3 लाख समथिंग कुछ था एरिया जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी उनको ये डिवाइड किया गया था, उसमें ये बेचारा फैसल रोड निकला था, ये सर्विस रोड निकले थे, फिर इसके बाद वो अलाइनमेंट की गई, उस ज़माने में ये 1958 में हो चुका था। और अच्छा, अब ये नसला टावर कितनी एराजी पे बना हुआ है? 1121 गज पे बना हुआ है, जिसमें 264 गज बता रहे हैं कि कब्जा है, ये बता रहे हैं 264 और 77 गज। 77 गज को हमको इसलिए मिली गई थी जब हम यहाँ पे रेजिडेंशियल से कमर्शियल करवाते हैं, एक प्रोसीजर होता है उसका कि जब रेजिडेंशियल प्लॉट होता है उसको कमर्शियल किया जाता है, तो 77 गज जो है उसके अंदर जब सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से, क्योंकि बगैर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के ना कमर्शियल हो सकता है ना कुछ हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी ने आके यहाँ पे पैमाइश की थी, तो इनको 77 गज इन बाउंड्री वॉल के अंदर 77 गज ज़्यादा मिली थी, जिसकी पेमेंट हमने 50 लाख रुपये विद पे ऑर्डर के साथ की है जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को हमने की है वो, और उन्होंने फिर हमें अलॉटमेंट दी थी 77 गज की, क्योंकि हमें तो बनाना था रेजिडेंशियल से कमर्शियल करना था, क्योंकि रेजिडेंशियल से कमर्शियल जब होगा जब सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हमें फॉरवर्ड करके देगा, और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर इस बात को वो ऑन करता है,
हमने अपने लेटर एड पे भी दे दिया है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने भी अपने जवाब में एनेक्शर बना के दे दिए हैं, अब रिव्यू में चला गया। अब देखें जज साहब इसको क्या देखते हैं, क्या कहते हैं। खुदा ना खास्ता जो फैसला आया है कि 3 महीनों में बिल्डिंग को गिराना है, अगर कमिश्नर कराची आ रहा है तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? बस हमारा तो लाया अमल यही है कि जज साहब हमें नज़रसानी करें। अच्छा, जो कोर्ट ने कहा है कि पैसे वापस दिए जाएँ तो यहाँ के रिहायशी है, वो उस अमल में आप जा रहे हैं? नहीं, हम लोग देखें ये तो इसका बात का मामला है कि पैसे दिए जाएँ या ना दिए जाएँ, क्योंकि उसके तो मैटर जब होगा तो हम अपने वकला से बात करेंगे, भाई हमारे वकील बात करेंगे इस सिलसिले में। सिलसिले में जो भी होगा वकील के पेश हुई रहे कि हम करेंगे, ऐसी तो नहीं कर सकते कि क्या है कि नहीं। अभी तो फिलहाल जो अभी राइट नाउ जो हमारी पोजीशन ये है कि हम रिव्यू में डाल के चीफ साहब को अच्छी तरीके से एक तरीके से इनको बता सकें कि हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं, अलॉटीज़ के क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो उसको सब बता देंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है पक्का कि अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा मसला। अच्छा, धरती टीवी के प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं यही चाहूँगा कि चीफ साहब आप प्लीज़ हमारे रिव्यू को नज़रसानी करें, एक बार हमारे बात को, हमारे मौक़ुफ़ को ज़रूर सुने, हमारे वकील को ज़रूर सुने, और प्लस अलॉटी के जो वकील हैं उसको भी ज़रूर सुने, क्योंकि लास्ट टाइम अलॉटी के वकील को नहीं सुना था चीफ साहब ने। और हम चाहते हैं कि बस हमें नज़रसानी करें और पूरी तरीके से जान पहचान करके जो भी हो फैसला दें हमें और हम पे नज़रसानी की जाए। जी नाजरी, नवा गालियों बुधियो हिकड़े फैसले तकरीबन 200 खानदानन के परेशान करे छड़ियो आए। फैसलो सही आ गलत आ उन जो फैसलो कोर्ट कंदी, उन जो फैसलो करण जो केखे बियो हक ना है, अदालत सगोरी पानी बेहतर फैसलो कर सके थी। बहरहाल हे तो जेके रिहायशीन है, तो जेके बिल्डर आ उए रिव्यू में विया नज़रसानी की दरख्वास्त जो आ उन्होंने अदालत में डिनी है। चवण जो मकसद यो है हिकड़े फैसले अंदर 200 खानदान जहनी अजियत में हैंड टाइम गुजरी चुका है। समझ में यो नो अचे इन आखिर वो कड़ा अस कोशिश कई से तो जो कराची में जो लखें इलीगल्स बिल्डिंग जो ठहल जो एस बी सी ए या बया जो इदारा उन्होंने अप्रूव का भी जो कराई वन थी, जो नसला टावर तेजे सामू मिसाल चवन था पे 16-17 एन ओ सीज हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स पारा वठण में भी टाइम लगता है, उन्होंने फीस होंगी जी करोड़न में होंगी, बिल्डर जो उ भी पे कर चुका है, पर ते होंदे भी जो अदालत सगोरी पारा फैसलो आयो तो नसला टावर के 3 महीनों के अंदर किराए कर इतों जहाँ रिहायशीन बिल्डर के यह हिदायत की वही है तो उन्होंने उन्होंने पैसा वापस कया वन। सो सवाल यो है तो बिल्डर इन पैसा वापस कौ, सवाल यो है तो जो रिव्यू में वे वन तो उन कोर्ट नज़रसानी कहती। इनके अलावा जो एस बी सी ए या के डी एस जो इदारा जी इन 200 गज जी एक्स्ट्रा कब्जे वाली जमीन भी बुधाई वे जो इन लिखत में दिनों वो तो बबा इन जमीन जो इन लीज से दिनी वे बुधा तो वे तो 1000 गज प्लस का जो ये बिल्डिंग ठहल आ जैमें जो 700 गज जो लीगल आ बल्कि 200 गज आ जो वो कब्जे आ जै सब जो इन बिल्डिंग के खिलाफ जो फैसलो है उनके किराने जो फैसलो आयो है। डेफिनेटली मूँ का रहे तो पो तो उनके सेंटिमेंट्स उन्होंने इमोशन उत जुड़ी था वन अस तथों की फैमिली से भी गलायोस जी औरत ही उन्हीं जहाँ भी तमाम जो दुख है तकलीफ जो इजहार भी करें। कुछ स्क्रीन से अड़ा भी मंजर हैं जो असा तक ना दिखा सकूँ छो कर कुछ पाबंदियों जो टीवी चैनल्स से भी होंदन जो इतों जहाँ मकीन जो इतों जहाँ रिहायशी मकामी मूँ उन्हें खुदकुशी करण की भी कोशिश कई है। हिंटे भी उन्होंने यो ही चिताव दिनों है तो जे अगर ये बिल्डिंग किराई वेंदी तो उन बिल्डिंग से गड उन भी जो मारो वे उन भी दफनाया वे उन कबर भी इतने ठाई वन। अगले हफ्ते नए इशू से मिलता से तेस तीन मेज़बान राजा असगर के दींदा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।